मैच के प्रीव्यू में सीएसके वर्सेस एमआई, जिसमें आज हमारे साथ है अब्दुल भाई। तो शुरू करते हैं। शुक्रिया मोहम्मद, आप शुक्रिया मोहम्मद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए आपके यूट्यूब, थैंक यू मोहम्मद बुलाने के लिए मुझे आपके इस शो में, आपके इस रिव्यू के अंदर। भले ही दूर हूँ लेकिन अभी भी दिल के पास हूँ, अभी भी वहीं पे हूँ मैं, तो शुक्रिया बुलाने के लिए। बेहतरीन शो के अंदर इसमें प्रीव्यू हो रहा है सीएसके वर्सेस एमआई, और पहली बार हिस्सा बनाने के लिए तो शुक्रिया। आपकी क्या राय है ये सीएसके एमआई उनके पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स नहीं होंगे, उसके बारे में क्या राय है? देखिए भैया, मेरा मेरा पहला मानना है कि ये मुकाबला यूएई के अंदर है, तो दिक्कत तो दोनों टीमों को आएगी। जिस तरीके से भारत का जो मैदान, भारत के जो मैदान है वहाँ पे, भारत के मैदान छोटे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं रहती है, पेस बॉलर आपको ज़्यादा मिल जाती है, पिचेस छोटी रहती है, शॉट्स लग सकते हैं आपके पास, स्पिनर का इतना रोल नहीं रहता है इंडियन पिचेस पे। लेकिन अगर यूएई की बात करें तो यूएई में स्पिनर का अच्छा खासा रोल है, तो और स्पिनर के अच्छे खासे रोल के कारण चेन्नई के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास स्पिनर है, अच्छे स्पिनर है, लेकिन मुंबई के पास नहीं है। और मुझे एक बात मुंबई की, हाँ, क्वालिटी स्पिनर नहीं है उनके पास। लेकिन मुझे एक बात चौंकाने वाली लगी, क्योंकि मयंक मार्कंडे को उन्होंने रिलीज़ कर दिया, जो कि मुझे मुझे लगता था कि अच्छे प्लेयर है, वो अच्छे स्पिन करते हैं। पिछले साल भी उन्होंने धोनी का आउट किया था, बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया था अलग अलग टीमों के, तो मेरे हिसाब से एक मुंबई इंडियंस से एक हीरा खो दिया है उन्होंने रिलीज़ करके। मुझे लगता है कृणाल पांडे और राहुल चहर स्टार्ट करेंगे स्पिनर के तौर पे पहले मैच में, शायद राहुल चहर हो सकते हैं मेन स्पिनर। देखिए, जहाँ तक बात है, अगर आपको लगता है कि स्पिनर का ज़्यादा रोल है, तो लोग कह रहे हैं कि स्पिनर का ज़्यादा रोल है, स्पिनर मदद करेंगे आपको, पिचेस लंबी है तो शायद स्पिनर का बड़ा खासा रोल होगा। तो मेरे हिसाब से भैया, शुरुआती मैचेस में आप वही चीज़ें लेके उतरे जो आप इंडियन पिचेस समझ के उतरते थे, क्योंकि आपको पिचेस नहीं पता, आपको पता नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या होगा स्पिनर का अच्छा खासा रोल। और अगर मान लीजिए स्पिनर इतने अच्छे नहीं हुए, पिच ने धोखा दे दिया, पिच कुछ अलग ही निकली, तो भैया अगर आप सोच के निकलेंगे कि स्पिनर मुझे खिलाने हैं तो अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। सामने धोनी है, सामने राइडू है, सामने वॉटसन है, तो छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि भले कितनी भी बाउंड्री हो, ये मारते हैं ना तो देखिए लंबा सबसे मारते हैं। बड़ा आप बड़ा सवाल मुंबई के लिए आ रहा है कि क्रिस गेल को खिलाएं कि क्विंटन डिकॉक को खिलाएं, आपका मानना क्या है? देखिए, क्रिस गेल के क्विंटन मेरे हिसाब से लीन को उन्होंने प्लेयर कोलकाता में से उठाया, उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। लीन अच्छे स्पोटक बल्लेबाज है, और क्विंटन डी कॉक भी अच्छे खासे ओपनर है, आपको विकेट कीपिंग का भी विकल्प देते हैं, तो मैं जाऊंगा थोड़ा अभी लीन के पास, क्योंकि देखिए आपको पता है डी कॉक कैसा खेलते हैं, आपको पता है कि डी कॉक कैसा खेल सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है लीन कैसा खेलेंगे। अगर शुरुआती मैच है, शुरुआती पहला मैच है आईपीएल का, अभी इसके बाद आपके पास 13 मैच रहेंगे, आप मेरे हिसाब से लीन को लीजिए, क्योंकि वो खेल के आ रहे हैं, अभी भी खेल के आ रहे हैं और अच्छे खासे फॉर्म में है, तो अगर आप उसे पहला मौका देंगे अगर पहले ही मैच के अंदर, तो आप देख सकेंगे कि क्या अच्छे के बैटिंग क्या कैसी है। डिकॉक को आपको पता है कि कैसे है, लेकिन लीन को मुझे, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि लीन को मौका देना चाहिए उन्हें पहले ही मैच के अंदर एज ओपनर। एक और बात, सवाल खेलने के लिए नंबर 3 नंबर 3 देखिए, आपके पास शुरुआत ही तो है अच्छे ओपनर, नंबर 3 की अब समस्या रहेगी, तो मेरे हिसाब से तो नंबर 3 पे जो सुरेश रैना की जगह आना चाहिए, वो मेरे हिसाब से राइडू होने चाहिए, क्योंकि राइडू खेल चुके पहले भी, नंबर 3 पे खेल चुके, ओपनर भी खेल चुके, अपने राइडू हर नंबर पे खेल चुके, वो अच्छा प्रदर्शन करते भी है, आपको अच्छा प्रदर्शन करके देते भी है। आप शुरुआत में शेन वॉटसन के साथ फाफ को खिला सकते हैं शुरुआती दौर के अंदर, क्योंकि ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है, दोनों अच्छी तरीके से ओपनिंग देते हैं और करते भी है, जैसे वो क्वालिफायर 2 के अंदर, आप क्वालिफायर 1 के अंदर जैसे जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग की थी, और अब मेरे हिसाब से तो राइडू ही ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि कोई अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं है राइडू के अलावा खेलने के लिए। नंबर 4 के पास अगर राइडू टीम पे जाते हैं देखिए, धोनी का तो भरोसा नहीं है भैया, धोनी तो धोनी है, वो ही जानते हैं वो क्या, वो मर्जी के मालिक। देखिए,
रहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास टीम अच्छी है, आपके पास आपने ओपनिंग अच्छी की है, आपने 10 ओवर में मान लीजिए 70 80 90 रन बना दिए सिर्फ मात्र एक विकेट पे, तो धोनी उस वक्त चाहेंगे कि वो नहीं जाए, वो धोनी किसी और को प्रमोट करेंगे सिर्फ एक बल्लेबाज को और उसके बाद डायरेक्ट धोनी आएंगे। लेकिन अगर जहाँ विकेटें गिरेगी आपके आपकी टीम लड़खड़ाएगी वहाँ धोनी आएंगे आपको संभालने के लिए कि भैया मैं हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो ये है कि धोनी को प्रमोट होना चाहिए, धोनी खुद आगे आए क्योंकि भैया वो जब मारते ना तो माही मार रहा है, मतलब बहुत जोर के मारते हैं और वो मुझे देखना है कि किस तरीके से उनका प्रदर्शन है, क्योंकि अब रिटायरमेंट तो उन्होंने ले ली है, अब बचा आईपीएल डोमेस्टिक क्रिकेट, तो किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहता है, किस तरीके से वो खेलते हैं मुंबई के सामने, वो देखने लायक होगा। तो मेरे हिसाब से प्रमोट होने चाहिए, नंबर 4 पे आने चाहिए। चलिए कुछ प्रेडिक्शन की तरफ रखते हैं। चेन्नई के लिए 4 ओवर दिख रहे हैं स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में। देखिए स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में तो मैं तो शेन वॉटसन के साथ जाऊंगा पहला, दूसरा मैं ब्रावो के साथ जाऊंगा क्योंकि अब ये दो तो मेरे पक्के खिलाड़ी है इस टीम के अंदर। तीसरा तीसरा मेरे हिसाब से मैं मिचल सेंटनर के साथ जाऊंगा क्योंकि उनकी चलिए ऑल स्पिन राउंडर चलिए स्किन, ऑल राउंडर हाँ स्पिन भी अच्छी है, वो बैटिंग भी कर लेंगे, आपको बैटिंग डेप्थ भी दे देंगे वहाँ पे, तो बैटर के खिलाफ अच्छी मैच खेलता स्पिन हूँ कर आगे देते। लार आगे बोल के हाँ जी मैं बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से सेंटनर एक स्पिन का विकल्प ही देंगे क्योंकि आपके पास रविंद्र जाडेजा भी है, आप उन्हें भी खिलाएंगे, आप सेंटनर को भी खिलाएंगे, तो सेंटनर जडेजा के आगे ही बल्लेबाजी आपको देंगे क्योंकि वो जिता सकते हैं, उनके पास बल्लेबाजी की कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पिनर और चौथा फॉरेन प्लेयर इमरान ताहिर को खिला सकता हूँ मैं, इमरान ताहिर या सेम करन, इन दोनों में से किसी एक को, अगर आप देखें स्पिनर चाहते हैं तो आप इमरान ताहिर को खिलाएंगे क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई नहीं कर सकता भैया स्पिनर, वो थोड़ी इंटरटेनमेंट भी देते हैं, वो विकेट के बाद भैया वो कहाँ भागते हैं वो हमें हमें भी नहीं पता, किस तरफ भागते हैं, किस रूट की लाइनें पकड़ते हैं वो। तो ये 4 खिलाड़ी हो सकते हैं, आखिरी में इमरान तर या फिर आप सेम करन के साथ भी जा सकते हैं। मुंबई के लिए 4 ओवर दीजिए। 4 ओवरसीज मुंबई के लिए, देखिए मैंने पहले बात कर दी लीन को खिलाना चाहिए पहले ही मैच के अंदर, तो लीन मेरे पहले हो जाएंगे। सोच रहा हूँ कि अगर मुंबई इंडियंस दो ओपनर शुरुआत में ही खिला ले ओवरसीज प्लेयर, देखिए उनके पास भी अच्छी ग्रीन और खासी डिकॉक डेप्थ है दोनों को खिलाना। बिल्कुल, क्योंकि आप डिकॉक की विकेट की भी करा सकते हैं और दोनों ओपनर ही ढांसू ओपनर है, तो मेरे हिसाब से दोनों ओपनर को आप रख सकते हैं तो दो ओवरसीज ऊपर हो जाएंगे। रोहित तीन शर्मा थोड़ा नीचे होता था फर्स्ट या सेकंड डाउन पे। ठीक नंबर पे खेले रोहित शर्मा क्योंकि वो खेल सकते है हैं, ब्रो। वो भी बाकी खेल सकते हैं, तो तीन कायरन पोलार्ड कायरन पोलार्ड तो नीचे आ जाएंगे, उनको भी खिलाऊंगा मैं अपनी टीम में क्योंकि वो भी अपना ट्रेंट बोल्ट में लग रहा है कि ट्रेंट बोल्ट और बुमराह का बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए आपने 4 बोल दिए तो आपकी बात मान के हम 4 को खिला लेते हैं, नहीं डिको नहीं तो क्लीन को आप ओपनिंग कर खिलाएंगे ना लेते, किसने भी खिलाया पोलार्ड तो नीचे आ जाएंगे और आखिरी में ट्रेंट बोल्ट, नंबर 1 ODI बॉलर, नंबर 2 ODI बॉलर, तो मुंबई इंडियंस एक बार बहुत तगड़ी दिख रही है इस बार अगर देखा जाए तो। देखिए मुंबई इंडियंस CSK अच्छी तगड़ी टीम है, देखिए अभी की जो टीमें हैं इस साल एडिशन की जितनी भी टीमें हैं सभी तगड़ी लग रही है, सभी अच्छी खासी चीज़ें लेकर UAE आई है। आप CSK को देख लीजिए, उनके पास स्पिन ही स्पिन है, आप मुंबई के देख लीजिए उनके पास भी अच्छे खासा एक्सपीरियंस है उनके पास डेप्थ में, पंजाब को देख लीजिए उनके पास भी बहुत है, अभी भी आप राहुल का देख लीजिए, राहुल का प्रदर्शन और मतलब जितनी भी टीमें अभी उन सभी के पास है। तो अब एक चीज़ रहती है कि थोड़ी बहुत टीमों के पास जैसे पंजाब हो गई, आपके पास SRH हो मेरी गई, आवाज़ या नहीं आ रही थी। SRH हो गई, आपके पास पंजाब हो गई, उनके पास एक चीज़ रहती है उनके पास मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है, उनके पास थोड़ी कमी इस चीज़ की है, बाकी सभी टीमें बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस के साथ आ रही है और अच्छा ही आएगा इस बार टूर्नामेंट, इस बार कोई दर्शक नहीं है तो मेरे हिसाब से थोड़ा कांटे के मुकाबले होंगे यहाँ पे। चलिए आखिरी लम्हों में आखिरी लम्हों वीडियो में तो फिर कोई प्रेडिक्शन के टॉस जीत के बॉल फर्स्ट डेबिट और जीत है। देखिए मैंने भी वहाँ की पिचेस देखी नहीं है, बिल्कुल पिचेस नहीं देखी है मैंने वहाँ की कोई कि क्या होना चाहिए क्या राय होनी चाहिए। देखिए क्योंकि ये रात को है जो सबसे बड़ा फैक्टर रह सकता है कि वो जो वो आती है तो फील्डर उसके हाथ से चलती बॉलर के हाथ से चलती वो तो उसके बाद आप चेजिंग करना पसंद हो जाए। देखिए मेरे को पिचेस का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है, वहाँ की पिचेस लंबी है, वहाँ पे ग्राउंड तो छोटे नहीं है, बड़े हैं थोड़े ग्राउंड, तो
मेरे हिसाब से अगर आप अगर टॉस जीत रहे तो पहले बल्लेबाजी कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, पहला ही मैच है आपके पास, बाकी मैचेस रहेंगे। तो अगर आपको कुछ ट्रायल करना है तो आप मेरे हिसाब से पहले बल्लेबाजी जाना चाहिए, बड़े स्कोर को रखिए। क्योंकि देखिए सी एस के अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो उनके पास अच्छी खासी बॉलिंग लाइनअप है, और अगर मुंबई पहले बल्लेबाजी करते हैं तो उनके पास भी अच्छी खासी लाइनअप है बॉलिंग, ट्रेंट हो गए, बुमराह हो गए, उनके मतलब दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं जो भैया आप अगर आप पहले बल्लेबाजी करेंगे तो हमारे पास ही है, अगर हम पहले मैंने गेंदबाज देखा करें। स्कोर देखा है यूए का, जहाँ ये मैच हो रहा है तो वो यूए का एवरेज स्कोर रहता है कि 160 आप बनाए तो थोड़ा कंफर्ट में रहते हैं आप 160, देखिए वही मैं तो बात कर रहा 160 हूँ, के वही एज में आपको बनाना ही पड़ेगा। वही बात कर रहा हूँ, अगर आप टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करिए इस पिच पे, क्योंकि आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कैसी क्या पिच कैसी होने वाली है, किस प्रकार से आप आउटपुट देगी। तो मेरे हिसाब से आप पहले बल्लेबाजी करिए, और जैसे पहले ट्रेंड था 2019 में कि पहले बल्लेबाजी करिए और आप फिर मैच जीते, टॉस जीते बल्लेबाजी करिए फिर मैच जीते, तो हो सकता है वो यूएई के अंदर भी काम हो जाए कि टॉस जीतो बल्लेबाजी करो और मैचेस जीतो। तो और लास्ट एक ला, एक बात और रहेगी कि एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आकाश चोपड़ा बोलते हैं या फिर कोई भी कमेंटर, मतलब कि यहाँ पे इस बार यूएई के अंदर बैट्समैन नहीं आपको बॉलर्स मैच जिताएंगे, ये आप मान लीजिए, क्योंकि सब ज़्यादा दबदबा बॉलर्स का होने वाला है। क्योंकि अगर बॉलर्स अच्छा खेल गए तो आपको प्लेऑफ फाइनल तक लेके जाएंगे वो, नहीं अगर कोई भी बॉलर नहीं चला तो भैया आपकी बहुत पिटाई होने वाली है। क्योंकि ये पिच ऐसी पिचेस नहीं है जो भारत में थी, ये अलग ही पिचेस है, तीन मैदान है और तीनों मैदान में आपको घूमना फिरना है। ठीक है लास्ट प्रेडिक्शन करते हैं, कौन जीत रहा है मैच, चेन्नई मुंबई? ये देखिए बहुत टफ टफ कॉल है कि कौन जीतेगा, चेन्नई तो जीतेगी या ऐसा मुंबई होने वाला है, जीतेगी। देखिए चेन्नई मुंबई बहुत टफ टफ कॉल है कि कौन जीतेगा, अभी मुंबई तो एक दो जीतेगा आप या दस दिनों में बताना चाहेंगे चेन्नई मुंबई। देखिए अब मुंबई 2 बार सीएसके को हरा चुकी है तो मैं सीएसके के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी ठीक है दूसरी पर्सनल खास टीम है तो मुझे अच्छी लगती है अपने सीएसके। पहली पसंद तो दर्शकों को बता दीजिए, हमको मालूम है, दर्शकों को बता दीजिए आपकी पहली पसंद। मेरी पहली पसंद एसआरएच है, क्योंकि पहली पसंद एसआरएच है और दूसरी सीएसके और तीसरी आरसीबी, सभी बता दिया मैंने। चलिए ठीक देखिए तो है, सीएसके जैसे मैच मैंने जीतेगी। बोला सीएसके, तो फिर सीएसके के साथ हम भी जाएंगे, सीएसके जीत रही है मैच। तो चलिए इसी के साथ वीडियो हम करते हैं, अभी भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 6 साथ, विकेटों आपने से बहुत कुछ जीतेगी बताया मैंने सीएसके। हमको वीडियो में लाने के लिए, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे वीडियो आपका अच्छी लगी शुक्रिया तो भैया, वीडियो को लाइक हमको कीजिएगा, शेयर और रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और अब्दुल भाई आपसे भी मिलते हैं, जी और वीडियो बिल्कुल में हम बिल्कुल, आपको देखने को जरूर लाएंगे, इंशाल्लाह आगे भी लाएंगे। तब जी जी तक के ठीक लिए है, टाटा बाय बाय। सी यू।